बच्चा लोग, सो फ्लूइड डायनेमिक्स पार्ट हम लोगों ने ख़त्म किया। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किससे पहले हम लोगों ने किस किस टाइप के मोशन पढ़ चुके हैं। तो पहले चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिस पे पार्टिकल जो है कर्व पाथ पे मूव कर रहा था। पार्टिकल किस पाथ पे मूव कर रहा था? कर्व पाथ पे मूव कर रहा था, है ना, कर्व पाथ पे मूव कर रहा था। उसका पाथ कैसा कहता था? कैसा था? पैराबोलिक पाथ था, है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर्कुलर मोशन पढ़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर्कुलर मोशन पढ़ा। ठीक है, तो SHM में जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है, SHM बेसिकली एक टाइप का पीरियाडिक मोशन होता है ना, एक टाइप का पीरियाडिक मोशन होता है ना। तो अभी इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली पीरियाडिक मोशन, और पीरियाडिक मोशन में एक स्पेशल केस पढ़ना है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पीरियाडिक मोशन को डिफाइन कर लेते हैं कि पीरियाडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालें पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन। ठीक है, तो लिखें पीरियाडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, तो पीरियाडिक मोशन का क्या मतलब होता है कि कोई पार्टिकल अगर अपने पाथ को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो पीरियाडिक मोशन क्या होता है? पीरियाडिक मोशन क्या होता है बच्चा? कि जब कोई पार्टिकल अपने पाथ को कंटिन्यूसली रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम देन वी सेड दैट मोशन इज पीरियाडिक। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट करते हैं, इसको हम लोग क्या, ठीक है, तो व्हेन अ पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है हमारा? जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, रिपीट तो करना चाहिए बट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करना चाहिए, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पीरियाडिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लेते हैं अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, अर्थ जो है ये मान लेते हैं सन है, तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ आर रेडियस में घूम रही है ना, अपना पाथ कंटिन्यूसली रिपीट कर रही है। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये कैसा मोशन है? पीरियाडिक मोशन है। कैसा मोशन है ये? पीरियाडिक मोशन है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, थोड़ा एरर होगा तो। ठीक है, ये किस टाइप का मोशन है? पीरियाडिक मोशन है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूँ तो मोशन ऑफ मून हमारा हो गया अराउंड अर्थ, ये सभी क्या है? पीरियाडिक, ये अराउंड अर्थ। ठीक है, ये सभी कैसे मोशन हो गए हमारे? पीरियाडिक मोशन हो गए। सन जो है, अर्थ जो है हमारी सन के चारों तरफ एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? एक साल में। ठीक है, हर आफ्टर वन ईयर अपना ये पाथ जो है कंटिन्यूसली रिपीट करती है। तो ये हमारा किस टाइप का मोशन हो गया? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सॉरी यहाँ पे लिखें अराउंड सन, ये किस टाइप का मोशन हो गया हमारा? पीरियाडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये किस तरीके का मोशन हो गया? पीरियाडिक मोशन हो गया। अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं ये अर्थ सन है और ये जो है अर्थ का पाथ है। अर्थ का पाथ मतलब ये ऐसे ऐसे जो घूम रहा है ये हमारी अर्थ का पाथ है। मान लेते हैं अर्थ इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया है ना, तो ये कैसा जाएगा? ऐसे घूमते हुए जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, है ना, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, 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 ऐसे यहाँ पर दोबारा पहुँचेगा पॉइंट ए पर, फिर ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, अपने पाथ को रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, इसे घूम के वापस ए तक पहुंचने में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो मेरे को बताओ, अगर अर्थ जो है वी स्पीड से घूम रहा है तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो? 2πr। इतने स्पीड से मान लेते हैं वी स्पीड से, तो ये हमारा क्या हो जाता है? टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को जिसमें पार्टिकल अपने पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट कर रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं?
पीरियाडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियाडिक मोशन बोलते हैं उस टाइप के मोशन को, लोग क्या बोलते हैं? पीरियाडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसको फटाक से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, सेकेंड टाइप का मोशन की बात हम लोग करते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो मोशन है ना, दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। सेकेंड जो हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, और वाइब्रेटरी मोशन, तो ये क्या होता है बच्चा? ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये क्या होता है हमारा? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, इसको इस टाइप के मोशन को लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूँ कि आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन अगर लोग देखें तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इफ़ अ पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू एंड फ्रो। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन करने का मतलब कैसे है ना, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ये कोई फिक्स पॉइंट है और कोई पार्टिकल जो है सपोज़ यहाँ से स्टार्ट करता है, ये पहले इधर जा रहा है, फिर यहाँ से लौट के फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, ये ऐसे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं, दोबारा मैं समझा रहा हूँ आपको, मान लेते हैं हमारा ये कोई फिक्स पॉइंट है। ठीक है, कोई पार्टिकल सपोज़ यहाँ से इस फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, मतलब ये अलग पाथ नहीं फॉलो कर रहा, मैं अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ होता क्या, ऐसे फॉलो करता है, ये इधर गया फिर सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आता है ऐसे, फिर इधर जाता है फिर सेम पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे वापस आता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये ऐसे वापस आता है ऐसे इधर, इस तरीके से कंटिन्यूसली ऐसे मूव करता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। अगर इस टाइप का मोशन हो रहा है तो टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे नोट करना है ना, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल पीरियाडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये किस टाइप का मोशन है? ये आपका पीरियाडिक है। अब ये आपका ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, नॉट ऑसिलेटरी। क्यों ये ऑसिलेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑसिलेटरी का कंडीशन क्या है, है ना, क्या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन क्या है? ये कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे से घूम रहा है, अब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पाथ को रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियाडिक मोशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। बट व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन? टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, जबकि ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी होने के लिए क्या होना चाहिए? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया हम लोगों का, क्या बन गया कि ऑल पीरियाडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपना नोट कर लें फटाफट, हो गया। चलो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर ऑल्सो नॉट ऑलवेज पीरियाडिक। ठीक है, और ऑल्सो नॉट पीरियाडिक। अच्छा,
तो डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में? सर आपने बोला कि ऑल पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, ये तो समझ में आ गया कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना कांस्टेंट स्पीड से, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट करेगा, पीरियाडिक हो गया, बट वो टू एंड फ्रो नहीं, इसलिए ऑसिलेटरी नहीं है। बट ऑसिलेटरी मोशन के केस में तो पार्टिकल एक फिक्स इंटरवल ऑफ एक अपना पाथ को रिपीट कर रहा है, तो वो हमेशा पीरियाडिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा ऐसा है कि मान लेते हैं कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो, कंटिन्यूसली अपना एनर्जी लूज़ कर रहा है, तो होगा अगर वो कंटिन्यूसली अपना एनर्जी लूज़ कर रहा है तो होगा क्या? क्या एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट कर पाएगा? नहीं। जैसे मान लेते हैं, है ना, यहाँ से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है, सपोज़ पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी से ये वापस आया, सपोज ये पॉइंट बी से वापस आया, ऐसे वापस आया, इधर तक गया, सपोज पॉइंट बी डैश, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये यहाँ से वापस आएगा, अब बी से वापस आएगा ऐसे, है ना, फिर हुआ क्या, मान लेते हैं कुछ एनर्जी लूज कर दिया, उसके बाद जब दोबारा चलना स्टार्ट किया तो दोबारा सपोज यहीं तक गया, है ना, फिर यहाँ से लौटा, फिर यहाँ से लौटा इधर की तरफ, फिर ये यहाँ तक गया, तो हुआ क्या, इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, अपने पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी लॉस कर दे रहा है, एनर्जी अपना क्या कर रहा है, लूज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो अब होना क्या, पीरियाडिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि पाथ को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करना है, बट इस केस में अगर पार्टिकल अपना एनर्जी लूज़ कर दे रहा है तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे पाथ को रिपीट नहीं कर पाएगा, हर बार उसका जो है रिपीट करने पाथ रिपीट करने का टाइम चेंज करने लगेगा, ठीक है। तो अपना पाथ रिपीट करने का टाइम अगर चेंज करने लगेगा तो मोशन पीरियाडिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑल ऑसिलेटरी और ऑल्सो नॉट पीरियाडिक मोशन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व विल ऑलवेज बी अ पीरियाडिक मोशन। अगर हम लोग पार्टिकल के एनर्जी, अगर ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें पार्टिकल अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें पार्टिकल अपना एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, तो अगर एनर्जी लूज नहीं कर रहा है तो वो मोशन हमारा कैसा होगा, हमेशा पीरियाडिक मोशन होगा। दैट मीन्स वो अपना कंटिन्यूसली अपना एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना पाथ क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, है ना, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट ए से पार्टिकल अपना पाथ चलना स्टार्ट किया, ये इधर गया बी तक, ठीक है, फिर इधर के बाद ये वापस आया ऐसे, इस साइड तक गया बी डैश, ठीक है। अब ये एनर्जी अपना लूज़ नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ से आएगा वापस ये, फिर इधर साइड जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ के बाद फिर वापस आएगा ऐसे, और ये कंटिन्यूसली इस तरीके से अपने पाथ को ऐसे कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, इस तरीके से रिपीट करता रहेगा, ए से बी, देन बी से ए, है ना, देन ए से बी डैश, देन बी से ए डैश, इस तरीके से कंटिन्यूसली अपने पाथ को ये क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा अपने फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियाडिक मोशन का भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है, तो पीरियाडिक मोशन का भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये किस तरीके का हो जाएगा मोशन, पीरियाडिक मोशन होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑसिलेटरी विल नॉट बी पीरियाडिक एंड ऑल पीरियाडिक विल नॉट बी ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व विल बी ऑलवेज बी पीरियाडिक मोशन, ठीक है। इज दैट क्लियर? नोट करो फटाफट, यहाँ तक नोट करो, ठीक है, चलो हो गया। तो जैसे मैं आपसे एक छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक सिंपल आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन वन, आप ही लोग आंसर करोगे। क्वेश्चन वन मैं आपसे पूछता हूँ, एक ग्राफ दे दिया हमने, सपोज़ ये एक ग्राफ हमने दे दिया आपको, ठीक है, एक ग्राफ हमने दे दिया, दिस इज़ टाइम टी, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वाई, ये हमने एक आपको ग्राफ दे दिया इस टाइप का, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है, दिस इज़ ए, दिस इज माइनस ए,
ठीक है, दिस इज़ 2 सेकेंड, दिस इज़ 4 सेकेंड, दिस इज़ 6 सेकेंड, दिस इज़ 8 सेकेंड, ग्राफ ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, आपको बताना है एक ग्राफ, ये जो ग्राफ है दिस इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ए पार्टिकल। आपको बताना है मोशन इज पीरियाडिक और नॉट, ऑप्शन ए पीरियाडिक, ऑप्शन बी नॉन पीरियाडिक। चलो फटाफट, आप मैथ में पढ़ चुके हो पीरियाडिक फंक्शन नॉन पीरियाडिक फंक्शन, तो आप समझ सकते हो। फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो देखो, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो बच्चा, पीरियाडिक होगा। कैसे, ध्यान से देखो, तो ये किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, किसका ग्राफ है ये, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से सपोज पार्टिकल स्टार्ट किया ऐसे, 4 सेकेंड बाद अपना एक ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर लिया, इसके बाद ये दूसरा बार अपने पाथ को रिपीट किया, फिर ये तीसरा बार अपने पाथ को रिपीट करेगा, है ना। तो देखो एक 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 पूरे पाथ को एक बार रिपीट करने में 4 सेकंड लगा, दूसरी बार रिपीट करने में 4 सेकंड लग रहा है, तीसरी बार जब ये रिपीट करे तब भी 4 सेकंड लगेगा। तो किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा हमारा, पीरियाडिक फंक्शन हो जाएगा। किस तरीके का मोशन हो जाएगा हमारा, पीरियाडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, कैसा भी हो बस होना क्या चाहिए, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना पार्टिकल वो पार्टिकल को अपना पाथ वो रिपीट करना चाहिए। ठीक है, कैसा भी हो, चलो ये बताओ पीरियाडिक हो गया नॉन पीरियाडिक, ये ऐसे ग्राफ चलता जा रहा है। ठीक है, पीरियाडिक हो गया नॉन पीरियाडिक, 0, 2, 3, 4, नहीं सॉरी 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, बताओ ये पीरियाडिक है नॉन पीरियाडिक, ऑप्शन ए पीरियाडिक, ऑप्शन बी नॉन पीरियाडिक। चलो फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो तो यहाँ पे भी कौन सा फंक्शन होगा, पीरियाडिक फंक्शन होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, है ना, यहाँ तक एक पूरा अपना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपना पाथ वो एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर यहाँ से वो रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है ग्राफ, मतलब पार्टिकल अपना पाथ रिपीट कर रहा है, फिर ध्यान से देखें यहाँ के बाद सेम ग्राफ वो फिर रिपीट कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपने पाथ को कंटिन्यूसली एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है। एक बार में कितना, एक चक्कर पूरा लगाने में 4 सेकंड लग रहा है, फिर दोबारा जब वो स्टार्ट करा तब भी 4 सेकंड लग रहा है, फिर तिबारा जब वो रिपीट करा तब भी 4 सेकंड लग रहा है, तो हर 4 सेकंड बाद पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो मोशन कैसा हो जाएगा हमारा, पीरियाडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, सब एनसीईआरटी में दिया हो, टाइम डिस्प्लेसमेंट वन, बोले किस टाइप का है, ऑप्शन ए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पीरियाडिक होगा, ऑप्शन बी नॉन पीरियाडिक होगा। फटाफट 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 बोलो पीरियाडिक होगा या नॉन पीरियाडिक होगा, जल्दी जल्दी बोलो। तो सिंपल दिख रहा है, कौन सा फंक्शन होगा पीरियाडिक, इसमें तो पार्टिकल चलता जा रहा है ना, सिंपल आपको क्या दिखा रहा है, क्या कोई कुछ तो रिपीट करता हुआ दिख रहा है इसमें, नहीं, तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, नॉन पीरियाडिक मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल नॉन पीरियाडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमको जो पढ़ना है। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है भाई, हमको पढ़ना है ऑसिलेटरी मोशन, हमको क्या पढ़ना है बच्चा, ऑसिलेटरी मोशन, क्या पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन। और सबसे पहले हम लोग वो ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन को हमने डिफाइन किया था, किस टाइप का मोशन है ये, टू एंड फ्रो मोशन, किस टाइप का मोशन है ये, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। अब हमको जो पढ़ना है, अभी पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी मोशन जिसमें हमारा क्या रहता है, एनर्जी क्या रहेगा हमारा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व, इन विच एनर्जी रिमेन कंजर्व, एनर्जी रिमेन
बन जाओ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हम लोगों को पढ़ना है जिसमें एनर्जी हमारी क्या रहेगी। तो ऑसिलेटरी मोशन के रिलेटिव में, के रेस्पेक्ट में हम लोगों को कुछ पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि मीन पोजीशन क्या होता है। हेडिंग डालें मीन पोजीशन, हमारा क्या है मीन पोजीशन, ठीक है। इस पर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मीन पोजीशन का डेफिनेशन लिखे सबसे पहले, इट इज़ अ पॉइंट अबाउट विच पार्टिकल, इट इज़ अ पॉइंट अबाउट विच पार्टिकल ऑसिलेट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर लीनियर ऑसिलेशन है, अगर किस टाइप का ऑसिलेशन है, लीनियर, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ लीनियर ऑसिलेशन एट मीन पोजीशन है ना, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो लीनियर ऑसिलेशन है तो नेट फोर्स जो है मीन पोजीशन पे क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स मीन पोजीशन पे क्या होगा, हमारा जीरो होगा, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट मीन पोजीशन का है ना, ये भी वही चीज़ है ना, इन केस ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन नेट टॉर्क विल बी जीरो, ठीक है, नेट टॉर्क विल बी जीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ नेट विल बी जीरो, ठीक है। तो मीन पोजीशन का मतलब कि अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले मीन पोजीशन होता क्या है, तो मीन पोजीशन क्या होता है, एक फिक्स एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, या जिसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं पार्टिकल, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, इसके अबाउट पार्टिकल सपोज़ यहाँ बी तक गया, फिर बी से ए वापस आया, है ना, फिर बी इधर की तरफ गया सपोज़ बी डैश, फिर बी डैश से ए वापस आया, तो पॉइंट ए के अबाउट या ऐसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए बी डैश जा रहा है, फिर बी डैश से बी जा रहा है, फिर बी से बी डैश जा रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट ए, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो मीन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन के दो करेक्टरिस्टिक, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ लीनियर ऑसिलेशन एट मीन पोजीशन नेट फोर्स विल बी जीरो, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन नेट टॉर्क विल बी जीरो। दैट मीन्स अगर लीनियर ऑसिलेशन हो रहा है तो मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, और अगर एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है तो जब मीन पोजीशन पे पार्टिकल होगा उस पर नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इज दैट क्लियर, नोट करो फटाफट। सेकेंड पॉइंट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना, 11th में पहुंच चुके हैं तो बेसिक्स तो हम लोगों को पता ही है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो हम लोग टाइम पीरियड को अगर डिफाइन करें तो टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, ठीक है, जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। तो अच्छा सर, अब यहाँ पे वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मेन पोजीशन है, दिस इज़ आवर मेन पोजीशन एम, या मान लेते हैं मेन पोजीशन, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल
ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है, यहाँ से पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ मीन पोजीशन से ये ऐसे इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट कोई एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ इस एक्सट्रीम तक गया। अब इसके बाद अपना पाथ को टू एंड फ्रो करना है ना, तो इसके बाद यहाँ रिटर्न होगा। तो अब क्या होगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा, ये यहाँ से रिटर्न करेगा ऐसे, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये इस साइड एक्सट्रीम जाएगा, इस साइड एक्सट्रीम जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो अदर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से फिर वापस आएगा, यहाँ से ये फिर वापस आएगा ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। तो अगर मान लेते हैं हुआ क्या, अगर मैं इसको मान लूँ पॉइंट मीन पोजीशन एम मान लूँ, है ना, इसको एक्सट्रीम पोजीशन ई वन मान लूँ, इसको अदर एक्सट्रीम पोजीशन ई टू मान लूँ, तो पार्टिकल सबसे पहले कहाँ गया, एम से ई वन गया। थोड़ा इधर लिखते हैं, आपको दिखाई देगा, है ना। लीनियर ऑसिलेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर एंगुलर ऑसिलेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल किधर जा रहा है, सबसे पहले पार्टिकल एम से किधर गया, ई वन गया, फिर ई वन से एम वापस आया, फिर एम के बाद ई टू अदर साइड एक्सट्रीम गया, फिर ई टू से एम आप वापस आ गया, ठीक है। आप देखें एम से पहले वो किधर गया, ऐसे, एम के बाद वो ऐसे टहलते हुए ई वन तक गया, ऐसे ये ई वन तक गया, फिर ई वन से वो वापस आया, है ना, एम की तरफ मेन पोजिशन की तरफ, फिर ये इधर की तरफ गया ई टू की तरफ, फिर ये ई टू से वापस आया, ठीक है। तो एम से ई वन, है ना, एम से ई वन गया, फिर ई वन से एम वापस आया, फिर एम से ई टू गया, फिर ई टू से एम वापस आया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड के अगर हम लोग यूनिट वगैरह की बात करें तो यूनिट क्या होता है, एक टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। चलो हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें, एंड सेकेंड सॉरी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या देखना हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई इंसिडेंट कितना बार हैपन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड, पार्टिकल इन वन सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग किससे नोट करते हैं, स्मॉल एफ से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, स्मॉल एफ से नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन वन सेकेंड, तो मेरे को बताओ, है ना, कि एक सेकेंड में अगर वो एफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एफ कंप्लीट एफ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एफ ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में, एक सेकेंड में, ठीक है, कितने टाइम में, एक सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एफ ऑसिलेशन वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, एक सेकेंड में, तो एफ उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो एफ ऑसिलेशन अगर वो एक सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो मेरे को बताओ वन ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वन ऑसिलेशन वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वन बाई एफ। और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, हो गया। चलो तो देखें एफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया वो एक, यहाँ पे ध्यान से देखें, एफ ऑसिलेशन वो कंप्लीट किया एक सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा कितने में, वन बाई एफ में, यूनिटरी मेथड। और हम लोग जानते हैं कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि टाइम पीरियड, क्या पता चल जाएगा बच्चा कि टाइम पीरियड टी, है ना, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम
पीरियड, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, इन सब पे आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो चलो, अब फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखना है, थर्ड हो गया, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है एम्पलीट्यूड? तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन, मेन पोजिशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं, है ना, पार्टिकल इसी, ये हमारा मेन पोजिशन हो गया, दिस इज़ आवर मेन पोजिशन, है ना। पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, हमारा पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, ये इधर से इधर जाएगा, मान लेते इस एक्सट्रीम तक गया यहाँ पर, इसके बाद ये रिटर्न होने लगा, इसके बाद रिटर्न होने लगा, ऐसे इधर की तरफ रिटर्न होने लगा। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो कितना गया, मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम यहाँ तक गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दिस विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या, पार्टिकल इस एक्सट्रीम तक गया, इधर से वापस आएगा, ऐसे इधर जाएगा एक्सट्रीम तक, दिस इज अदर एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अदर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये उसके बाद वापस आएगा, ऐसे ऐसे ये वापस आएगा, सेम पाथ फॉलो करते हुए, ठीक है, सेम पाथ फॉलो करते हुए। और जब ये वापस इस दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा, तो वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, सो दिस विल ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। ये दोनों सेम है, एनर्जी अगर कंजर्व है, दोनों मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस और मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट चीज़ ध्यान से देखें, टाइम पीरियड को हम लोग एंगुलर फ्रिक्वेंसी के रूप में भी लिखते हैं, टाइम पीरियड टी इज इक्वल हम लिखते हैं 2π/ω। इसको मैं आपको लाइव क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω, ठीक है। इसको ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/T, क्या लिख सकते हैं, 2π/T, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल 2π/1T, और 1/T क्या होता है, फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π। तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एक कोई पता रहेगा तो आपको सारा पता हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग काम की चीज़ पे आते हैं, ये थोड़ा आगे आपका इंट्रोडक्शन, अब हम लोग काम की चीज़ पे आते हैं। अब लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, क्या स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM किसी अलग टाइप का मोशन नहीं है, ये किस टाइप का मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन ही है। किस टाइप का मोशन है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन ही है। किस टाइप का मोशन, अब चलोगे, ये एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, ठीक है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन ही है, ऑसिलेटरी मोशन ही है। जिसमें अंतर क्या है कि जो एक्सीलरेशन होता है, वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और हमेशा वो मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है, हमेशा वो क्या करता है, आपका मेन पोजीशन की तरफ आपका एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं SHM को डिफाइन करूं, डेफिनेशन लिखूं SHM का, तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखें। तो अगर मैं SHM को डिफाइन करूं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड ऑलवेज एक्ट
टुवर्ड द मीन पोजिशन। दैट मीन्स सिंपल हारमोनिक मोशन जो है सिंपल एंड सिंपल एक ऑसिलेटरी मोशन है, बट इन दिस केस एक्सीलरेशन जो पार्टिकल पे लग रहा होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दैट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। और हमेशा जो एक्सीलरेशन होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, मीन पोजिशन की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, मीन पोजिशन की तरफ होगा। दैट मीन्स हमने आपको बताया, जैसे मान लेते हैं ये आपका मीन पोजिशन है, ये आपका क्या है, मीन पोजिशन है। अब पार्टिकल है ना इस साइड एक्सट्रीम इधर गया, सपोज यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजिशन हो गया है ना, फिर इस साइड ये एक्सट्रीम पोजिशन हो गया, इधर साइड दोनों इधर साइड एक्सट्रीम पोजिशन सेम होता है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है आपको, वो आप एज्यूम कर लें सेम हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन, पार्टिकल किधर भी जा रहा हो, चाहे पार्टिकल जैसे मान लेते हैं पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है जब मीन पोजिशन से इस एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जा रहा है, तब भी इस पे एक्सीलरेशन जो लगेगा वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इस पे मीन पोजिशन की तरफ होगा। सिमिलरली जब पार्टिकल इधर आ रहा होगा, सिमिलरली जब पार्टिकल इस एक्सट्रीम से इधर की तरफ आ रहा होगा, तब भी इस पे एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजिशन, है ना। सिमिलरली इस केस में भी जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा इस मीन पोजिशन से इस लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पे, तब भी इस पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजिशन। ऐसे फिर ये जब इस एक्सट्रीम से लौट के आ रहा होगा मीन पोजिशन की तरफ, तब भी इस पे जो एक्सीलरेशन होगा किधर की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजिशन। दैट मीन्स हर केस में जो एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल का वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स मीन पोजिशन। और मीन पोजिशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ, मीन पोजिशन पे नेट फोर्स क्या होता है, लीनियर SHM के केस में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। दैट मीन्स एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो, है ना। तो मीन पोजिशन पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। अब ध्यान से देखें, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, है ना। मान लेते हैं ये हमारा मीन पोजिशन लाइन है, पार्टिकल सिमिलरली इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, बट मैं अलग पाथ दिखाऊंगा ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आए। दिस इज़ आवर मीन पोजिशन लाइन, ठीक है, दिस इज़ आवर मीन पोजिशन लाइन। पार्टिकल इस मीन पोजिशन से स्टार्ट किया, इस एक्सट्रीम पे गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वापस आएगा, तो पार्टिकल सेम पाथ ही फॉलो कर रहा है, बट मैं अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दिस इज़ एक्सट्रीम, इसके बाद ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। पार्टिकल जो है सेम पाथ ही फॉलो कर रहा है, पार्टिकल जो है ऐसे इसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगा, इस पाथ से गया है वो इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगा, बट मैं आपको अलग पाथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से टर्न लिया और वापस जा रहा है इधर की तरफ, ऐसे मीन पोजिशन पे दोबारा पहुँच गया। अब इस मीन पोजिशन पे पहुँचने के बाद ये दूसरे साइड एक्सट्रीम पे जाएगा, दूसरे साइड एक्सट्रीम जाएगा। इसके बाद ये यहाँ से टर्न लेगा और दोबारा फिर ऐसे ये जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था पार्टिकल उसी सेम पाथ को ऐसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। लेकिन मैंने अलग आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आए। तो ये क्या है हमारा एक्सट्रीम, ये इधर साइड एक्सट्रीम है, दिस इज इधर साइड एक्सट्रीम पोजिशन, दिस इज आवर ब्लैक वाला मीन पोजिशन लाइन है। अब ध्यान से देखें, जब पार्टिकल इधर जा रहा था यहाँ पे पार्टिकल इधर जा रहा था, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये, भाई पार्टिकल इधर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इस पे एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, इधर। इज दैट क्लियर। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी। तो जब पार्टिकल इसको मान लेते हैं M डैश, ठीक है। ये O का मतलब ये पूरा O है, ठीक है। अच्छा, तो पार्टिकल जब O से M जा रहा है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन तो हमेशा मीन पोजिशन की तरफ लगेगा, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। आप नोट कर लो, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे पार्टिकल O से M जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा है, और इस जब एक्सट्रीम पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी घटते 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 क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब एक्सट्रीम पे पहुँचा तो एक्सीलरेशन तो इस पे इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है,
जब पार्टिकल इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है तो ये पाथ फॉलो कर लेता है, ऐसे ऐसे चलना इधर की तरफ चलना ऐसे स्टार्ट कर देता है। जब इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है तो अभी हुआ क्या, एक्सीलरेशन तो आपका मेन पोजीशन की तरफ हमेशा लगेगा, अभी भी एक्सीलरेशन इधर की तरफ है, अब पार्टिकल पे वेलोसिटी भी इधर की तरफ है तो वेलोसिटी उसका बढ़ने लगता है। वेलोसिटी क्या होने लगता है, उसका बढ़ने लगता है। तो हम लोग लिखेंगे कि जब पार्टिकल एम से ओ वापस जा रहा है तब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन पोजीशन पे क्या हो रहा है, मेन पोजीशन पे आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जब मेन पोजीशन पे पहुँचा तो एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। नोट कर ले यहाँ पे, एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है SHM, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर आप SHM का सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। तो एट मीन पोजीशन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। अब ध्यान से देखें, अब पार्टिकल इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया, इधर की तरफ जाना स्टार्ट किया ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, जब इधर की तरफ जा रहा है, जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, बट एक्सीलरेशन तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस रीजन में जब पार्टिकल ओ से एम डैश वापस जा रहा है, जब पार्टिकल ओ से एम डैश की तरफ जा रहा है तब वेलोसिटी फिर से घट रहा है, इज दैट क्लियर। और घटते 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 जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा यहाँ पे, उसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो। इस एक्सट्रीम पे फिर से वेलोसिटी जीरो, बट एक्सीलरेशन तो इस पे इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इधर की तरफ एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इधर की तरफ एक्सीलरेट करना स्टार्ट कर देगा तो वापस ऐसे वापस आने लगेगा ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो जब इधर की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी इधर की तरफ, एक्सीलरेशन तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा। जब वो एम डैश से वो वापस जा रहा है ना, जब वो एम डैश से वो वापस जा रहा है तब फिर से वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब ये इस मीन ऐसे वापस आते हुए ये जब वापस इस मीन पोजीशन पहुंचेगा तो फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो आप क्या सीखे, आप इन इस पूरे एनालिसिस से क्या सीखे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो इसको पॉइंट बना के नोट करें, फर्स्ट पॉइंट नीचे बना के नोट करें, फर्स्ट पॉइंट बना के नीचे नोट करें क्या कि एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी वी विल बी जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट एट मीन पोजीशन है ना, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी, आप ध्यान से समझेंगे ना एक एक चीज़ तो सच्चे में मजा आ जाएगी, बिकम्स मैक्सिमम, वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग मैं क्या बताने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि मीन पोजीशन में हमने बताया ना, मीन पोजीशन क्या होता है, नेट 40। मीन पोजीशन पे हमने क्या बताया था कि एट मीन पोजीशन नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट 40 का मतलब आपका एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। बॉडी पे नेट 40 है, पार्टिकल का कुछ मास है, यहाँ पे मासलेस तो है नहीं, तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन क्या है, मीन पोजीशन पे जीरो। थर्ड हमारा पॉइंट वही हो जाएगा, एट मीन पोजीशन, याद करें ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे याद बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो एट मीन पोजीशन एक्सीलरेशन बिकम्स जीरो, तो एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है तो मैक्सिमम भी कहीं पे होगा। तो मेरे को बताओ, हमने आपको बताया कि जो एक्सीलरेशन है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वो क्या है कि एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। तो मेरे को बताओ एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कब मैक्सिमम हो रहा है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है, यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो रहा है, बोलो एक्सीलरेशन मैक्सिमम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यही है इस एक्सट्रीम पोजीशन पे,
एक्सीलेशन क्या हो जा रहा है हमारा, मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, एट मीन पोजीशन एक्सीलेशन विल बी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो, ठीक है। तो लिखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम। आपको मैं एक, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों, आपको बिल्कुल जुबान पर रटा होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रहा है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो रहा है। मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा है, एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे याद रखना है वैसे आप याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको एक लाइन में कंक्लूड करूँ, ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका मीन पोजीशन लाइन है, मीन पोजीशन लाइन है, ये एक पॉइंट होता है ना, हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, है ना। ये आपका मीन पोजीशन लाइन है, ये आपका क्या है, मीन पोजीशन लाइन है। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इस एक्सट्रीम जाएगा ऐसे, है ना, इस एक्सट्रीम जाएगा। अब यहाँ से ये वापस आएगा सेम पाथ फॉलो करते हुए, ऐसे ये वापस आएगा, इस साइड एक्सट्रीम जाएगा, बोलो, फिर ये यहाँ से वापस आएगा ऐसे, यहाँ से ये वापस आएगा ऐसे, है ना, इस तरीके से ये वापस आएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही पाथ को ये ऐसे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, इस मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है, मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर इस एक्सट्रीम से लौट रहा है, मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए इस एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, फिर इस एक्सट्रीम से मेन पोजीशन पे वापस जा रहा है, एक ऑसिलेशन हो गया, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ऐसे कंटिन्यूसली ये मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन अपने दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको इलस्ट्रेट करने के लिए थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाऊं, है ना, मान लेते हैं पार्टिकल इस मेन पोजीशन स्टार्ट किया, इस एक्सट्रीम तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से ही वापस आएगा। मैं दूसरा पाथ दिखा दे रहा हूँ, दूसरे लाइन से डिनोट कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल अलग पाथ फॉलो कर रहा है, पार्टिकल सेम पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये इस एक्सट्रीम पे गया, फिर यहाँ से ये वापस, आप वापस ऐसे आ गया। ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया ताकि, है ना, आपको पता चले पार्टिकल कैसे किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सट्रीम, दिस इज़ आवर एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हमारा क्या है, हमारा मेन पोजीशन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी आपका घट रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जब मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ पार्टिकल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा अगर पार्टिकल का तो भाई वेलोसिटी भी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि हमने बोला इन केस ऑफ सिस्टम एक्सीलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, तो क्या हुआ, वेलोसिटी घट रहा है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, और एक्सीलरेशन क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका एक्सीलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब पार्टिकल जब रिटर्न हो रहा है इधर की तरफ, जब ये रिटर्न हो रहा है तब आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट घटेगा, ठीक है, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस मीन पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन हो क्या रहा है आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जा रहा है और वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हो जा रहा है, इज दैट क्लियर। फिर देखो, जब पार्टिकल यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेगा दूसरे एक्सट्रीम के साइड, तो फिर से आपका वेलोसिटी घटेगा और एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और इस एक्सट्रीम पे जब पहुँचेगा तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सब कुछ लॉजिकल है, और आपका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। फिर जब ये यहाँ से इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस निकल जाएगा तो फिर से आपका वेलोसिटी बढ़ेगा और एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा, और इस मेन पोजीशन जब दोबारा पहुँचेगा तो आपका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, इज़ दैट क्लियर। नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी कहानी समझ में आया, नोट करो फटाफट।
हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कुछ चीज़ें थोड़ा और देख लेते हैं। F.NET 0 हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, थोड़ा और चीज़ें समझते हैं। एट मीन पोजीशन हमने क्या देखा, एट मीन पोजीशन हमने क्या देखा कि एट मीन पोजीशन है ना, F.NET is 0, नेट फोर्स जो है पार्टिकल पे वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो F.NET अगर 0 है किसी पार्टिकल पे, तो हम लोग क्या यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इफ़ F.NET is 0 है ना, किसी पार्टिकल पे नेट 4 0। अभी आप मीन पोजीशन इस चीज़ को भूल जाए, इफ़ F.NET is 0 मतलब पार्टिकल किस कंडीशन में है, पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम है ना। नेट फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे 0 है मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं, किस टाइप का होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, बोलो आप लोग वर्क और एनर्जी में पढ़ चुके होगे। सेकंड टाइप इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। एंड थर्ड टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो नेट फोर्स 0 है मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में अगर मीन पोजीशन पे पार्टिकल है तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 3 टाइप ऑफ, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, 3 टाइप इक्विलिब्रियम पढ़े हुए हैं, जिसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मीन पोजीशन पे जो मैं इक्विलिब्रियम की बात किया, अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा इन तीनों में से, तो आप लोग नोट कर लें, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, मैं बता रहा हूँ क्यों होता है, ऐसा सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो नोट कर लें, इन केस ऑफ एस एच एम एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज़ ज़ीरो एंड पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आप लोग या रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है किसी पॉइंट पे, तो अगर हम लोग उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से स्लाइटली पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, एस एच एम परफॉर्म करेगा, तभी एस एच एम वो परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आप लोग नोट कर लें इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बैकबोन है एस एच एम के, ठीक है। लेकिन इफ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड from its stable equilibrium position, then it will perform SHM. This is the most important point. अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और हम लोग स्लाइटली पार्टिकल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी साइड, तो वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है वो, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक
मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए पार्टिकल को किस कंडीशन में होना पड़ेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर पार्टिकल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है और हम लोग पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। चलो मैं आपसे थोड़ा सा रिकैप करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस पर, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्क पावर एनर्जी में बहुत इस टाइप का प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज फोर्स, ठीक है। हमने फोर्स और फोर्स का आपको ग्राफ दे दिया, दिस वन, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो मेरे को बताओ, माय क्वेश्चन इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऑप्शन ए मैं नोट कर रहा हूँ ऑप्शन। चलो मैंने आपसे पूछा एट, ये आपको सिंपल ग्राफ दिया हुआ है, हमने पूछा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन ए पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी पार्टिकल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी नन। आप पढ़ चुके हो वर्क पावर एनर्जी में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। चलो फटाफट बता दो यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो ग्राफ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, ग्राफ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि फोर्स जीरो है। तो फोर्स जीरो है तो इसका मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल क्या है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो तीन टाइप का इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो सकता है, पहला स्टेबल हो सकता है, दूसरा अनस्टेबल हो सकता है, तीसरा आपका न्यूट्रल हो सकता है। तीसरा हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल होगा बट कोई बात नहीं, थोड़ा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या हो सकता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। अच्छा तो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं। तो अभी ध्यान से देखो, जब मैं पार्टिकल को नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मान लेते एक्स माइनस एक्स डिस्प्लेस किया, तो फोर्स उस पर क्या लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, प्लस एफ आ रहा है। और जब मैं पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ मान लो यहाँ तक, तो फोर्स का वैल्यू उस पर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, पार्टिकल एक्स इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे रखा हुआ, मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाया, यानी कि इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है। जब मैं पार्टिकल को इधर की तरफ डिस्प्लेस करके यहाँ ले रहा हूँ, इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तब फोर्स इस पर इधर लग रहा है, बोलो इज दैट क्लियर। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट पे हमारा एफ क्या है, जीरो, और इस पॉइंट से जब मैं पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो फोर्स इधर लग रहा है, यानी कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, और जब मैं पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो भी फोर्स इस पर इधर लग रहा है। तो इस टाइप का जो कंडीशन होता है वो क्या कंडीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पार्टिकल किस कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल रखते हैं, इसको चाहे इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, चाहे इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज दैट क्लियर। क्या परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसका इक्वेशन बोलूँ तो ये किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो एफ और एक्स में रिलेशन पूछूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स, बोलो इज यस और नो। जहाँ पे यहाँ पे स्लोप कितना है,
माइनस से, स्लोप क्या यहाँ पे नेगेटिव है, स्लोप क्या यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, तो SHM का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है वो हमारा क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स। डैट मीन्स अगर किसी पार्टिकल पे ये फोर्स, इस टाइप का फोर्स लग रहा है ना, तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, SHM, क्या परफॉर्म करेगा, SHM। तो लिखेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स पार्टिकल विल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पार्टिकल विल परफॉर्म एस एच एम जहाँ पे सी क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे, सी क्या है, SHM कांस्टेंट, दैट विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल कंडीशन कि क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्ट्रिंग है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, फ्लूड है, लिक्विड है ना, किस टाइप में, किस तरीके से वो SHM हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे परफॉर्म करेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस सी एक्स के अंडर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ध्यान से देखो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है, नेट फोर जीरो, ठीक है। अब अगर x पॉजिटिव है तो f क्या आएगा हमारा, नेगेटिव, मतलब वही केस है ना, चेक कैसे करते हैं, मतलब है ना कि जब हम लोग पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं x इधर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फोर्स नेगेटिव है, इधर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर x लेस देन जीरो है, देखो इस पोजीशन में रखोगे, एक्स को नेगेटिव रखोगे तो एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब जब हम लोग पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं नेगेटिव एक्स की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, मतलब हमेशा फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रहा है ना, यही तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इस कंडीशन के इफेक्ट में, इस फोर्स के इफेक्ट में पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, SHM परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी भी टाइप का इक्वेशन है तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा, किसके अबाउट, x इक्वल टू जीरो के अबाउट। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज f इज इक्वल टू माइनस सी एक्स माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू, बोलो पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा कि नहीं, क्वेश्चन है मेरा, पार्टिकल विल, या हाँ विल परफॉर्म कुछ टाइप ऑफ मोशन, परफॉर्म SHM बोल देता हूँ, ठीक है, SHM और नॉट। तो कैसे पता करोगे इस केस में, अच्छा एक बार ट्राई करो तुम लोग, सी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू टू पे फोर्स क्या है हमारा, जीरो, x इज इक्वल टू टू पे हमारा फोर्स क्या है, जीरो, है ना, x इज इक्वल टू टू पे हमारा फोर्स क्या है, जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा x दो से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन टू, तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर x लेस देन टू है, x लेस देन टू है, तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा कुछ एक्सिस सिस्टम है, ठीक है, फोर्स और x का जो भी कुछ ग्राफ रखा हुआ है ना, मान लेते हैं x इज इक्वल टू टू पे है ना, फोर्स जो है वो जीरो है, x इज इक्वल टू टू यहाँ पे होगा, है ना, x इक्वल टू टू यहाँ पे होगा, इस यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो। अब जब हम लोग पार्टिकल को ग्रेटर देन टू यानी कि इधर की तरफ, इस पॉइंट से इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, ग्रेटर देन टू इधर की तरफ आएगा ना, दो से बड़ा वैल्यू इधर की तरफ आएगा, तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब इधर की तरफ लग रहा है, इज़ दैट क्लियर और नॉट। अच्छा, अब जब हम लोग पार्टिकल को x लेस देन टू यानी कि इधर की तरफ, x की वैल्यू इधर की तरफ रखते हैं यानी कि इधर डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा,
तो फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स इस पे लग रहा है इधर की तरफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स इधर, अगर हम लोग पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स इधर, दोनों केस में फोर्स किधर लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन की तरफ। मतलब ये एक्स इज इक्वल टू पे किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, एस एच एम परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, एस एच एम परफॉर्म करेगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट फटाफट नोट कर लो। हो गया, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखें, एस एच एम के लिए एस एच एम किस फोर्स के अंडर होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू एक्स के टाइप में, एफ इज इक्वल टू किसके अंडर, माइनस सी इंटू एक्स के टाइप। इस टाइप का फोर्स अगर किसी पार्टिकल पे लग रहा है तो पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, एस एच एम। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, ये नेट फोर्स है, दिस इज नेट फोर्स, कोई एक फोर्स नहीं, नेट फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो दिस एफ विल बी नेट फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करो तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी इनटू एक्स, या एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम इनटू एक्स। सी क्या था हमारा, एस एच एम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे माइनस होगा। सी यहाँ पे हमारा क्या है, सी हमारा क्या है यहाँ पे, सी हमारा क्या है यहाँ पे, सी हमारा यहाँ पे क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट है। सी क्या है, एस एच एम कॉन्स्टेंट, समझेंगे। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो मेरे को बताओ सी बाई एम भी एक कॉन्स्टेंट होगा, और यहाँ पे इस केस में हम लोग सी बाई एम को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, बट डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, जस्ट आप नोट कर लें ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका क्या, कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ओमेगा क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो अपने हमने डेफिनेशन में लिखाया था। ठीक है, अच्छा अब एक्सीलरेशन को हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्सीलरेशन को मैं क्या ले सकता हूँ, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यस और नो, इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ ना, बोलो यस और नो, यस और नो बोलो, इतना लिख सकता हूँ ना। अब इसको इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, डी टू एक्स, सॉरी नीचे से लिखते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या है ये, इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। इसको हम लोग क्या इस तरह में भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। डबल डॉट का मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर सिंगल डॉट है एक्स, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी एक्स बाई डी टी, मतलब सिंगल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर डबल डेरिवेटिव डबल डॉट यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये जो दोनों इक्वेशन, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके एक सॉल्यूशन नहीं बच्चा, बहुत ही सॉल्यूशन है। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप मैथ्स में आगे पढ़ोगे कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इट हैज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके पास एक से ज्यादा बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
जब तक हमको कुछ इनिशियल कंडीशन पता नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी कैन सॉल्व इट विथ सम इनिशियल कंडीशन, या जब तक हमको कुछ इनिशियल कंडीशन नहीं दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस हमको नहीं पता होंगे, तब तक हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके पास, ठीक है। नोट करें फटाफट, यहाँ तक फटाफट नोट करो, बिना देर के नोट करो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू आया हमारा माइनस सी बाई एम इंटू एक्स, है ना। सी क्या था, SHM कांस्टेंट था। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, सी बाई एम। तो यहाँ से हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी बाई एम। अच्छा, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पाई एफ इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट सी बाई एम। तो मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, वन बान टू पाई अंडर रूट सी बाई एम। यस और नो बोलो, सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। हमारा जो भी इक्वेशन आएगा ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम के टर्म में लिखना होगा, वो खैर हो गया, आगे मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बताऊँगा। तो अगर ये एफ आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है, वन बाई एफ। इसको रिवर्स कर दोगे तो टाइम पीरियड टी कितना आ जाएगा बच्चा, टू पाई अंडर रूट एम बाई सी। दिस विल बी योर टाइम पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। SHM के केस में अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है, है ना, वो SHM कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई सी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि c क्या है, SHM कॉन्स्टेंट है। ये SHM कांस्टेंट क्या चीज़ है सर, ये आपका डिपेंड करेगा किस पे, कि पार्टिकल किस फोर्स के इफ़ेक्ट में, किस टाइप के फोर्स के इफ़ेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है, है ना। स्प्रिंग है तो वहाँ पे कंडीशंस अलग होंगे, फ्लूड है तो वहाँ पे कंडीशंस अलग होंगे। अगर बॉब है, स्प्रिंग से हैंड कर रहा है, वहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, तो सी का वैल्यू अलग होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, किस टाइप के फोर्सेस, किस, वो एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, SHM कांस्टेंट पे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो जो इक्वेशन देखा हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं, चलो आगे बढ़ें। चलो तो चलो देखो, हमने क्या देखा कि एक्सीलरेशन ए जो है वो क्या है हमारा, माइनस सी बाई एम इंटू एक्स, या एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि सी बाई एम की जगह पे मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स रखा। अच्छा, अब एक्सीलरेशन को मैं क्या ले सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ इंटीग्रेट करने के लिए, तो वी डी वी क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो कैसे इंटीग्रेट करें, मान लेते हैं ये हमारा मेन पोजीशन लाइन है, दिस इज़ आवर मेन पोजीशन लाइन, ठीक है। कुछ लोग यहीं इंटीग्रेट करने में गलती करते हैं, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मेन पोजीशन से इधर जा रहा है, दिस इज़ एक्सट्रीम, है ना। फिर ये इधर, ये इस साइड वाला एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं, है ना, किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल जब यहाँ पे था, ऐसे जा रहा इधर की तरफ वी वेलोसिटी से, एक्स पे मान लेते हैं था, मीन पोजीशन से हमने सब कुछ मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं, मीन पोजीशन से जब पार्टिकल एक्स पे था तो वेलोसिटी कितना था उसका, वी। अच्छा, जब वो एक्सट्रीम पे पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो चुका होगा, जीरो। अब ये जब एक्सट्रीम जो पहुँचा यहाँ पे, तो एक्स किसके बराबर हो चुका होगा, एम्पलीट्यूड ए के बराबर। तो अब इसको, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। मेरे को पता है क्लास आज तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द बैकबोन ऑफ SHM, आपका हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब इंटीग्रेट करो इसको
इसको इंटीग्रेट करो आप, तो क्या लिखोगे? जब एक्स आपका पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू एक्स पे है तो वेलोसिटी पार्टिकल का है वी। जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया एक्स इज इक्वल टू, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच गया एक्स इज इक्वल टू ए पे, तब आपका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। ठीक है, अब वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? वी स्क्वायर बाई टू लिमिट वी से जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाहर निकाल लेते हैं, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट एक्स टू ए। ठीक है, तो वैल्यू रखो तो इधर क्या आ जाएगा? जीरो माइनस वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू रखो तो आपका कितना आ जाएगा? ये वैल्यू रखो तो कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस ख़त्म कर जाएंगे और टू से टू ख़त्म कर देंगे, तो आपका वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन केस ऑफ लीनियर एस एच एम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करें यहाँ तक फटाफट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमने क्या निकाला, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और वो हमारा वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आपका ए क्या है? एम्पलीट्यूड। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब कि अगर सपोज ये हमारा मीन पोजीशन है, दिस इज़ आवर एक्सट्रीम पोजीशन, ये अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन है, और पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे मीन पोजीशन से एक्स पे है, यहाँ कहीं पे ये इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, ठीक है, वी है इसका वेलोसिटी, तो ये इस वी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस फार्मूले से। इज दैट क्लियर? बोलो यस और नो। अब मेरे को बताओ यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। तो मेरे को बताओ एक्स इज इक्वल टू ए पे, जब एक्स ए के बराबर हो जाएगा मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा, तो वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जब एक्स जीरो होगा, यहाँ पे, है ना। हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए, इस फार्मूले से वी क्या आ जाएगा? जीरो। मैंने प्रूफ कर दिया, वहाँ पे मैंने दिखाया था ना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा। अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जब होगा, तब आपका वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। ये भी मैंने प्रूफ कर दिया कि मीन, वहाँ पे बताया था ना मैंने आपको कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे, जहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और वैल्यू क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में रखो तो आपका वी मैक्स कितना आ जाएगा? ए ओमेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी टर्म का यूज आएगा अभी, छोटू सारे टर्म का यूज आने वाला आएगा आगे अभी। ठीक है, तो आप ढंग से नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? चलो फटाफट नोट करते जाओ, फटाफट। अच्छा, वेलोसिटी का टर्म हमने तो निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अब ध्यान से देखो फटाफट सभी लोग, वेलोसिटी तो हमने निकाल लिया, वेलोसिटी हमने कितना निकाल लिया? v इज इक्वल टू कितना है हमारा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया, क्या आ गया हमारा? वेलोसिटी। अब हमको चाहिए वेलोसिटी को मैं क्या ले सकता हूँ? dx बाई डी टी। तो ये कितना आ गया हमारा? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो x वाले टर्म को एक साथ, y वाले टर्म को एक साथ, तो मैं कह सकता हूँ डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। वाह भैया वाह, आँख बंद करके यहाँ लिखा t इक्वल टू जीरो, यहाँ लिखा जीरो, यहाँ t यहाँ पे है, कहते हैं कि ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होता, हमको इनिशियल कंडीशंस उस पता होने चाहिए ना। तो कैसे पता करेंगे, देखें मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम है ना, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये हमारा मेन पोजिशन है, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दीज आर टू एक्सट्रीम एंड दिस लाइन इज आवर मेन पोजिशन लाइन। ठीक है, मान लेते हैं जब टाइम टी जीरो है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, यानी कि एक्स कितना था आपका, एक्स नॉट था पहले से, यानी कि मीन, मान लेते हैं मीन पोजिशन से पार्टिकल स्टार्ट नहीं कर रहा है, पार्टिकल एस एच एम करना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, टाइम को जब हम लोग काउंट कर रहे हैं तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पहले से ही एक्स नॉट के बराबर था, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं इधर की तरफ चलना स्टार्ट किया वी स्पीड से, ठीक है, और किसी टाइम टी पे, जब टाइम टी हुआ, जब टाइम कितना हुआ टी हुआ, तब मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे हुआ, यानी कि एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, पार्टिकल मीन पोजिशन से मान लेते हैं कितना पे है, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे, बोलो इज दैट क्लियर। अब इंटीग्रेशन लिमिट हम लोग लगा सकते हैं यहाँ से, तो कैसे, ध्यान रखो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, ठीक है, किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स इज इक्वल टू एक्स पे, ठीक है, ऐसे तो इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अभी देखो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो हमारा इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स तक, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इधर का तो इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, जीरो टू टी, तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स माइनस वाला टर्म को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए प्लस ओमेगा टी, ठीक है, या यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, बोलो ऐसा नो लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्स बाई ए क्या ले सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, बोलो यस और नो लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये आ गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो यहाँ तक तो फटाफट, अभी आगे बहुत कहानियाँ हैं, अभी आगे बहुत कहानियाँ हैं, नोट करो यहाँ तक तो फटाफट, आगे बढ़ें, चलो तो देखिए हमने क्या डिराइव किया, हमने डिराइव किया एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, अच्छा साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए क्या है, एंगल, तो एज्यूम हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एंगल है वो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू फाइव, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका एस एच एम का इक्वेशन आ गया टाइम के फंक्शन में, किसका, इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हिच इज डूइंग एस एच एम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ टर्म आपका डिस्कस करने वाला है, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है बच्चा, ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, दिस इज फेज,
फेज ये आपको क्या बताएगा, विल टेल दैट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी वेयर इज द पार्टिकल, वेयर इज द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा फाई क्या है, फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है, ये फेज कांस्टेंट आपको क्या बताएगा, 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 फेज कांस्टेंट आपको बताएगा विल टेल एट टी इक्वल टू जीरो, एट एट टी इक्वल टू जीरो वेयर इज द पार्टिकल, वेयर वॉज द पार्टिकल, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ से एस एच एम करना स्टार्ट किया आपको वो बताएगा, यानी कि क्या बताएगा फाई आपको क्या बताएगा, इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल क्या बताएगा, चाहिए इनिशियल कंडीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस फाई के आपका फेज है ना, क्या है फेज, ये बताएगा कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ पे है, ठीक है। अब पोजीशन का टाइम के साथ हमको इक्वेशन पता है तो मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, निकाल लेते हैं वेलोसिटी। अब देखें एक्स हमको पता है, एक्स कितना है आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको वी पता चल जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्या आ जाएगा बोलो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब हमको वेलोसिटी का फंक्शन पता चल गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन का फंक्शन पता चल जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फंक्शन पता चल गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन और ये हमारा एक्सीलरेशन का फंक्शन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देख के बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है वन, तो ये ए के बराबर होगा, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड, ए के बराबर आ रहा है ना, यस सर। अच्छा यहाँ पे बताओ वेलोसिटी का वैल्यू इस इक्वेशन से मैक्सिमम कितना होगा, जब कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन, तो कितना आ जाएगा ए ओमेगा, यहाँ से भी मैंने प्रूव कर दिया मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा यहाँ से बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है वन, तो ए ओमेगा स्क्वायर। तो अभी तक मैं आपको कितने इक्वेशन दिखा चुका, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, टोटल हम लोग फाइव इक्वेशन डेराइव कर चुके हैं, टोटल हम लोग कितना इक्वेशन अभी तक डेराइव कर चुके हैं, फाइव इक्वेशन, एस एच एम इज ओवर, यही पांच इक्वेशन एस एच एम आपका फिनिश हो जाता है, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा मान लेते हैं ये, तीसरा, और हमने स्टार्टिंग में आपको इक्वेशन बताया था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन हो गया ये वाला वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास कर ये दोनों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बार आपका न्यूमेरिकल बहुत इजी कर देगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तीसरा इक्वेशन ये हो गया, चौथा इक्वेशन ये हो गया, पांचवा इक्वेशन ये हो गया, और ये होगी सभी की मैक्सिमम वैल्यू। ये एसएचएम का बैकबोन है, ये इतना आप लोग रिवाइज करें, ढंग से याद करके आएंगे, है ना। हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या प्रैक्टिस करेंगे,
ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें क्या? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, टाइम कितना हो रहा है, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी योर प्रैक्टिस क्लास, ओके। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे, ओके। चलो टाटा, बाय बाय।